देखो, हम लोग यूनिट टू पिछले लेक्चर में स्टार्ट किए थे, जो कि है एमटीआई एंड पल्स डॉपलर रडार। इसमें हम लोगों ने थोड़ा सिलेबस देखा था, जिसमें हम लोगों ने सिलेबस में ये देखा कि इसमें आपको डॉपलर रडार के बारे में पढ़ना है, एमटीआई रडार के बारे में पढ़ना है। एमटीआई रडार से रिलेटेड आगे डिले लाइन कैंसलर है, स्टैगर्ड पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रेंज गेटेड डॉपलर फिल्टर क्या होता है, फिर एमटीआई रडार में के परफॉर्मेंस में अगर कोई लिमिटेशन आती है तो क्या क्या लिमिटेशन आती है वो। उसके बाद हम लोग रडार से ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, तो अलग अलग तरीके से हम लोग ट्रैक करते हैं, जैसे मोनोपल्स ट्रैकिंग सिस्टम होता है, कोनिकल स्कैनिंग होता है, सीक्वेंशियल लोबिंग टेक्निक होता है, और इस ट्रैकिंग एक्यूरेसी में क्या लिमिटेशन आती है वो हम लोग देखना है। फिर हम लोग टेक्निक में अलग अलग यूज होता है, जैसे लो एंगल ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग इन रेंज है, और फिर हम लोग ये जो जितने ट्रैकिंग हम लोग पढ़े थे उसका कंपैरिजन हम लोगों को देखना है। तो ये सिलेबस था जिसमें लाल लाल जो मार्क है वो सीएसवीटीयू में आप लोगों के 4-5 साल पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर है 5 बार के, उसके हिसाब से एनालिसिस करके ये समझ में आता है कि कहाँ किस एरिया से कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑलमोस्ट ये मैपिंग है, ये इसका जो मैं प्रिंट आउट है, या मतलब इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपके गूगल क्लासरूम में डाल दूंगा। अब हम लोग इसमें फर्स्ट टॉपिक देख रहे थे, जैसे उसमें लिखा है इंट्रोडक्शन टू डॉपलर रडार। इसमें एक बार 7 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जा चुका है। इसमें अपन को डॉपलर रडार पढ़ने के लिए, मतलब जो रडार टेक्निक है वो एक प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है, और उस प्रिंसिपल को बोलते हैं डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, और इस कारण से इस रडार का नाम डॉपलर रडार रखा गया। डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का मतलब ये होता है, डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट मतलब कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर जा रहा होता है किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ, मान लो F1 फ्रीक्वेंसी के साथ जा रहा होता है, और यहाँ पे जब किसी टारगेट के साथ टकरा के वो वापस आता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव आ जाता है, वो बदलाव F1 प्लस माइनस कुछ फ्रीक्वेंसी होता है, वो कुछ फ्रीक्वेंसी को डॉपलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वो हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, हो सकता है कम हो जाए, ये किस पे डिपेंडेंट है कि जो टारगेट है ये इस दिशा में जा रहा है या इस दिशा में जा रहा है। अगर मैं इस तरफ से भेजा और वो इसी दिशा में आ रहा होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है F1 प्लस FD, और अगर वो दूर जा रहा होता है हमसे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है F1 माइनस FD। ये जो प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत डॉपलर साहब ने दिया था, और इसी सिद्धांत को डॉपलर रडार में यूज किया जाता है। तो डॉपलर का साहब का यही कहना था, चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फ्रीक्वेंसी में चेंज आना। ठीक है, अब मुद्दे की बात यह है कि लेट अपन मानते हैं कि यहाँ पे अपन एंटीना है और यहाँ पे अपना टारगेट है। टारगेट लेट सपोज कि ये टारगेट से जो दूरी है एंटीना की वो आर डिस्टेंस है, रेंज। अब आपको ये पता होता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो अपन ये कर सकते हैं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको पता है कि एक रडार जब सिग्नल जाता है तो आर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, फिर वापस भी आता है, तो उसको डबल आर ट्रेवल करना पड़ता है, तो डिस्टेंस जो हो गई वो आपकी 2 आर हो गई, और जिस स्पीड से जाती है तो वो स्पीड ऑफ लाइट से जाती है, तो वो सी का आपका स्पीड हो गया, तो टी इज इक्वल टू 2 आर बाय सी हो गया। अब आपको ये पता है कि जो टाइम होता है, आपको ये पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय एफ होता है, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय एफ, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1 बाय टी, तो आप यहां से लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू लैम्डा बाय सी होता है, तो आप टाइम को इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्टेंस आपका 2 आर बाय सी पहले से ही था, तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, फिर सी सी कैंसल आउट होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 आर, मतलब आप जो वेव लेंथ भेजे हैं उसका जो लेंथ अगर आपको कैलकुलेट करना है, वेव लेंथ कैलकुलेट करना है, तो वो आप रेंज के हिसाब से 2 आर कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब एक बार वो जाने में लगा एक बार वो आने में लगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 आर वेव लेंथ होता है। पर क्या हम लोग सिर्फ एक ही पल्स भेजते हैं? आपने रडार में फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा है कि हम लोग को कई बार पल्स भेजना पड़ता है, कई बार पल्स भेजना पड़ता है, फिर वो वापस आता है और उसको इंटीग्रेट करते हैं जब उसके इको को, तब हम लोग को अच्छी तरीके से जानकारी मिलता है कि टारगेट कहाँ पे है। तो आपको जब टोटल नंबर ऑफ वेव लेंथ निकालना होगा, अभी तो एक वेव की लेंथ हम लोगों ने निकाली, टोटल
टोटल नंबर ऑफ वेवलेंथ निकालना है जब इस टू वे पाथ में, तो आप क्या करोगे, एक वेवलेंथ जो है आपका लैम्डा है उसको एन से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि एन नंबर ऑफ पल्स आप बार बार भेजने की कोशिश कर रहे हो। तो और लैम्डा इज इक्वल टू 2 आर था, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 आर है, लेकिन एन लैम्डा इज इक्वल टू 2 आर, क्योंकि अल्टीमेटली जो डिस्टेंस है इन दोनों का वो तो चेंज होगा नहीं, आर और आर ही रहेगा, 2 आर तो रहना ही है, लेकिन इस दूरी में हो सकता है वो एक ही वेव भेजे, हो सकता है वो 2 वेव भेज दे, हो सकता है 3 वेव भेज दे। तो एन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ पल्सेस के लिए, तो आप कितने बार वो एक ही दूरी को, एक दूरी में आपको भेजने के लिए कितना पल्स आपको इस्तेमाल करना पड़ा, तो एन इज इक्वल टू 2 आर बाय लैम्डा आप यहाँ से निकाल सकते हैं। क्या इतना अभी क्लियर है सबको? ओके, अब आगे की कहानी हम लोग देखते हैं। ये हम लोग नंबर ऑफ पल्स हम लोगों ने निकाला। अब मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि हर वेव जब जाता है, जब जाएगा टकरा के फिर वापस आएगा, तो क्या सेम फेस के साथ वापस आता है? उसमें कुछ फेस चेंज होता है, लेकिन अगर अपन ये देखते हैं कि ये अपन मानते हैं अभी आइडल केस के लिए कि एक वेव जा रहा है टकरा के गया, और टकरा के बिल्कुल उल्टा होके, मतलब या तो कोई फेस चेंज नहीं हुआ, आप 0 डिग्री भी बोल सकते हो, या फिर टोटल फेस चेंज हुआ 2 पाई। तो आप ये अभी मानते हैं कि अगर एक वेव जाता है इस दिशा से इस दिशा और यहां से टकरा के वापस आता है, तो उसमें 2 पाई का फेस चेंज होता है एक वेव में। तो अगर मैं ये बोलूं कि टोटल फेस चेंज, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बार बार पल्स भेज रहे हैं, बार बार पल्स भेज रहे हैं, तो हमको टोटल फेस चेंज निकालना होगा कि जब हमारे पास इको वापस आए, तो हमको ये पता होना चाहिए कि टोटल फेस चेंज कितना हुआ है। तो जो कि आपको ये पता है कि एक फेस, एक वेवलेंथ 2 पाई का फेस चेंज को कॉरेस्पॉन्ड करता है, तो एन वेवलेंथ कितना करेगा, एन इंटू 2 पाई का फेस चेंज को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। एन की वैल्यू अपन को पता है कि एन इज इक्वल टू 2 आर बाय लैम्डा होता है, जो अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं, और इंटू 2 पाई अपन निकाल सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो टोटल फेस चेंज हो रहा है सिग्नल को, ईएम वेव को जाने में और वापस आने में, तो वो होता है 4 पाई आर बाय लैम्डा। ये एक फॉर्मूला आ गया जो आप कैसे निकालोगे, टोटल फेस चेंज जब आपका सिग्नल 2 वे जाके वापस आता है, तब इतना टोटल फेस चेंज होता है, 4 पाई आर बाय लैम्डा। ये सब न्यूमेरिकल में काम आता है। अब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि आपने ये बोल दिया कि एक आइडल केस है ये। आइडल केस मतलब कि आपने ये ईएम वेव भेजा, और ईएम वेव वहां टारगेट चुपचाप खड़ा हुआ है, टारगेट से टकराया और एक 2 पाई का फेज चेंज हुआ, बार बार आपने भेजा तो एन इंटू 2 पाई का फेज चेंज हुआ। लेकिन ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। ये टारगेट खड़ा नहीं रहेगा, टारगेट इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, कहीं ना कहीं मूव करता रहेगा, हो सकता है। तो हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा कि ये फेस भी बार बार चेंज होगा, क्योंकि आपको पता है, देखो फेस का फॉर्मूला है, तो फेस के फॉर्मूले में 4 पाई कांस्टेंट है, लैम्डा भी आप जिस फ्रीक्वेंसी से यूज कर रहे हो वो आप कांस्टेंट रख सकते हो। वो डिपेंडेंट किस पे है? सिर्फ और सिर्फ आर पे। तो अगर आपका जो डिस्टेंस है वो चेंज होगा, तो आपका फेस चेंज भी होगा। तो अपन एक काम करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फेस निकालते हैं कि ये जो फेस बार बार चेंज हो रहा है उसमें क्या रेट ऑफ चेंज है। तो रेट ऑफ फाई था, उसको रेट ऑफ चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अपन क्या कर दिए, d5 by dt कर दिए, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फेस। अब आपको ये पता है कि फॉर्मूला क्या है, 4 पाई आर बाय लैम्डा। तो 4 पाई बाय लैम्डा तो अपन बाहर रख दिए, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टर्म है। चेंज कहाँ हो रहा है, विद dr/dt, क्योंकि ये डिस्टेंस वाला है, ये बार बार चेंज हो रहा है। तो d5 by dt इज इक्वल टू 4 पाई बाय लैम्डा इंटू dr/dt। d5 by dt जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फेस है, इसको अपन ओमेगा डी भी बोलते हैं, जो रेडियन के फॉर्म पे आता है। तो इसको अपन 2, और ओमेगा डी का एक फॉर्मूला होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f होता है। तो अपन क्यों ना ओमेगा डी को 2 पाई इंटू f d लिख देते हैं। और यहाँ पे आपका 4 पाई बाय लैम्डा है, और अगर आप ध्यान दोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो आप इसको रिलेटिव वेलोसिटी के तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, 2 पाई 2 पाई को कैंसिल कर सकते हो। इसका मतलब है जो एफ डी का फॉर्मूला है वो आ गया 2 vr बाय लैम्डा। ये एफ डी क्या है, ये अगर आपको ध्यान होगा तो ये वही एफ डी है कि आपका सिग्नल गया टकरा के वापस आया, तो उसमें कोई फ्रीक्वेंस, अगर ये f1 फ्रीक्वेंसी के साथ जा रहा था, तो उस फ्रीक्वेंसी को कुछ चेंज हुआ है उसमें, वो कितना चेंज हुआ है उस फ्रीक्वेंसी में, ये निकालने का ये फॉर्मूला है एफ डी। मतलब ये
जो एफडी है इसको बोलते हैं डॉपलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, डॉपलर फ्रीक्वेंसी इसी को बोलते हैं कि आपको अगर रेडियल वेलोसिटी पता है, रेडियल वेलोसिटी इंटू टू बाय लैम्डा अगर आप करते हैं तो आपको डॉपलर फ्रीक्वेंसी आ जाता है, और अगर आप और नए फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लैम्डा इक्वल टू सी बाय एफ भी होता है, तो आप यहाँ सी बाय एफ कर दीजिए तो आपको फिर से वही डॉपलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाता है। लेकिन आप एक चीज और, मैं आपको ये बताने की कोशिश किया था पिछले लेक्चर में कि अगर देखिए ये टारगेट है, ठीक है, ये टारगेट है, टारगेट और एंटीना आपका दोनों हमेशा एक दिशा में, तो लाइन ऑफ साइट में तो होते नहीं है, तो क्या होगा कि ये मान लो इधर से भेजा और इसका जो आप रेडियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे वी आर की बात कर रहे हैं, वो नॉर्मल वेलोसिटी नहीं है, नॉर्मल वेलोसिटी अपन सिर्फ वी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से ये आपका प्लेन मूव कर रहा है, टारगेट मूव कर रहा है, पर वो तो किसी वेलोसिटी से सीधा दिशा में मूव कर रहा होता है, यहाँ पे हो सकता है कि ये कोई एंगल बना रहा होता है। तो अगर क्वेश्चन में कभी दिया रहता है कि भैया रेडियल आपकी जो वेलोसिटी जो टारगेट है वो इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और वो एंगल बना रहा है एंटीना के साथ इतना डिग्री का, इतना एंगल का, तो आप तब रेडियल वेलोसिटी को लिखते हो नॉर्मल वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये आप नॉर्मली जनरली करते हैं। अब हाँ, अब मैं आपको डॉपलर रडार के बारे में बताना चाह रहा हूं कि जो ये तो मैंने आपको एक प्रिंसिपल बताया कि डॉपलर रडार जो होता है वो डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट पे काम करता है, तो डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट क्या होता है वो मैंने आप लोगों को इस पूरे डेरिवेशन में आपको बताने की कोशिश की है। लेकिन अब मैं आपको डॉपलर रडार, जो रडार अपन डिजाइन करते हैं, तो रडार का जो डिजाइन है उसका मैं आपको ब्लॉक डायग्राम से समझाता हूँ, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ब्लॉक डायग्राम ही आपको समझाना होता है। अब देखिए ब्लॉक डायग्राम में आपको मैं क्या क्या बताता हूँ कि देखिए आप सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे ब्लॉक डायग्राम बनाना। एक होता है कंटिन्यूअस वेव ऑसिलेटर, मतलब कि देखिए रडार क्या करता है, सिग्नल भेजता है, कंटिन्यूअस वेव को भेजता जाता है, भेजता जाता है। ये कंटिन्यूअस वेव जनरेट कहाँ से होगा, जनरेट करने के लिए हमको ऑसिलेटर की जरूरत पड़ती है, तो कंटिन्यूअस वेव ऑसिलेटर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, लेट सपोज ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी एफ टी जनरेट करता है, इसको भेजा जाता है पावर एम्पलीफायर के साथ। आपको पता है कि पावर एम्पलीफायर क्या करता है, पल्स मॉड्यूलेटर के बेस पे काम करता है। पल्स मॉड्यूलेटर का मतलब क्या है, ये मॉड्यूलेट करता है, ये सिर्फ ऑन ऑफ का काम करता है, जैसे ये तो कंटिन्यूअस वेव जनरेट कर दिया लेकिन ये ऑन करेगा, हो सकता है इतने देर ऑन करा फिर ऑफ किया, फिर इतने देर ऑन किया मान लो इतने देर फिर ऑफ किया, तो अपन ये करते हैं कि ये वन है फिर ये जीरो है फिर ये वन है फिर ये वन है फिर जीरो है, तो ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक तरीका होता है, और पल्स मॉड्यूलेटर ऑन ऑफ का काम कर दिया। पावर एम्पलीफायर क्या किया, उसको बूस्ट अप करने का काम करेगा और डुप्लेक्सर को भेज देगा। डुप्लेक्सर क्या करता है कि ये ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का काम करता है, कि ये ट्रांसमिटिंग में भी हेल्प करता है और रिसीविंग में भी, तो इसको डुप्लेक्सर यहाँ लगा दिए और यहाँ से ये वेव गया और यहाँ से ट्रांसमिट हो गया। हो सकता है चीजें रिसीव भी हुई होगी, जब वेव टकरा के वापस आया रिसीव हुआ तो ये डुप्लेक्सर के पास गया, डुप्लेक्सर उसको तुरंत रिसीवर के पास भेज दिया। रिसीवर आप जानते हो, जब ये टकरा के आपने एफ टी सिग्नल भेजा था, आपने यहाँ एफ टी जनरेट किया था और एफ टी आपने भेजा, लेकिन जब ये वापस आएगा तो उसमें उसके फ्रीक्वेंसी में कुछ ना कुछ चेंज होगा, वो चेंज को बोलते हैं डॉपलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जब रिसीव हुआ वो एफ टी प्लस माइनस एफ टी हुआ। अब रिसीवर जो मिक्सर है ये इसमें इसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक डायग्राम छोटे 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 होते हैं, लेकिन कंप्लीट फॉर्म में मैं आपको रिसीवर के तौर में बता रहा हूँ। एफ टी प्लस माइनस एफ डी क्या करता है, ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी, देखो यहाँ पे ना एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, डॉपलर रडार में ये एक सिग्नल आता है यहाँ से जिसको बोलते हैं रिफरेंस सिग्नल। रिफरेंस सिग्नल मतलब देखो ये मिक्सर है, मिक्सर क्या करेगा, चीजों को मिक्स करके माइनस प्लस करने की कोशिश करेगा, तो इसको ना एक रिफरेंस सिग्नल की जरूरत पड़ती है कि यहाँ यहाँ एफ टी प्लस माइनस एफ डी है, और यहाँ से अगर उसको एफ टी मिल गया क्योंकि यहाँ पे एफ टी जनरेट हो रहा था, इसको अगर वो पकड़ के ले आया एफ टी को, और एफ टी को अगर कैंसल आउट करने की कोशिश कर दिया तो यहाँ पे सिर्फ उसको एफ डी मिलेगा। मतलब ये जो डॉपलर फिल्टर है, ये डॉपलर फिल्टर क्या करता है, सिर्फ डॉपलर फ्रिक्वेंसी को पास करने की कोशिश करता है, और डॉपलर फ्रिक्वेंसी से आपको समझ में आ जाता है कि
सिग्नल में क्या चेंज आया है, जो यहाँ पे इसमें चेंज आया है ना, वो प्लस हुआ है या माइनस हुआ है, उससे आपको समझ में आ जाता है कि वो दूर जा रहा है या पास आ रहा है वगैरह वगैरह। तो अल्टीमेटली ये डॉपलर रडार का पूरा कॉन्सेप्ट था। इसमें नॉर्मल रडार से सिर्फ अंतर इतना ही है कि यहाँ से सिग्नल को एक क्या बोलते हैं, फीडबैक की तरह रिफरेंस सिग्नल मिल रहा है और उसके बेसिस पे वो कैंसल आउट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इतना ही मैं अभी तक आप लोगों को ओके चलो अब हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं एक मिनट ऐड कर लेता हूं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का यूनिट। सेकंड टॉपिक वो है आपका एमटीआई रडार। एमटीआई रडार देखो, डॉपलर रडार तो हम लोग पढ़े, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है एमटीआई रडार, जिसको बोलते हैं मूविंग टारगेट इंडिकेटर। मतलब कि जब टारगेट मूव करते रहता है, तो ऑब्वियसली जब टारगेट मूव करता रहता है तो हमको डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की ही जरूरत पड़ती है। लेकिन जो अभी तक हम लोग डॉपलर रडार में देखे उसमें कुछ खामियां थी, उस खामियां को पूर्ति करते हुए एमटीआई रडार का वो निर्माण किया गया। इसका मैं आपको ब्लॉक डायग्राम बताता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान रखना। इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे और आपको ब्लॉक डायग्राम के एक एक ब्लॉक को आपको समझाना है आंसर शीट में। समझ भी लो इसको क्या कैसे बनता है। ये देखो, यहाँ पे आप सबसे पहले स्टार्ट होता है, अगर हम लोग चलो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। ये है डुप्लेक्सर। डुप्लेक्सर का काम आप तो अच्छी तरीके से जानते होंगे। डुप्लेक्सर का काम सिर्फ ट्रांसमिट रिसीव करने का काम आता है, और आपको ये पता होगा कि यहाँ पे देखना, डुप्लेक्सर के पहले लगा होता है पावर एम्पलीफायर, जो नॉर्मल रडार में लगा ही होता है, और पावर एम्पलीफायर के ऊपर में लगा होता है पल्स मॉड्यूलेटर। ये जरूरी है सिग्नल को भेजने के लिए। लेकिन अगर आपको पुराना याद आ रहा होगा तो इसको ट्रांसमिट करता था कंटिन्यूअस वेव ऑसिलेटर, लेकिन यहाँ पे अपन नहीं करेंगे। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक मिक्सर लगा दिए हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे अपन एक मिक्स करने वाला मिक्सर लगा दिए हैं। अब जो फ्रीक्वेंसी जो जनरेट करेगा वो कौन करेगा, वो करेगा आपका, आप यहाँ पे ले लो, ये है आपका कोहो। इसको अपन कोहो लिखते हैं, कोहेरेंट ऑसिलेटर, इसका फुल फॉर्म है कोहेरेंट ऑसिलेटर, जिससे फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है। लेट सपोज एफसी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी वो फ्रीक्वेंसी एफसी देगा। ये मिक्स किसके साथ करेगा, तो ये मिक्स एक और ऑसिलेटर के साथ करेगा। जैसे पिछले बार आप लोगों ने देखा होगा मैंने एक ही ऑसिलेटर का इस्तेमाल किया था, लेकिन यहाँ पे मैं 2 ऑसिलेटर का इस्तेमाल करते हैं, वो है स्टेलो, स्टेलो एफएल इस्तेमाल करते हैं। स्टेलो का मतलब होता है स्टेबल ऑसिलेटर, कोहो का मतलब कोहेरेंट ऑसिलेटर। अब ये सपोज ये फ्रीक्वेंसी एफएल जनरेट कर रहा होगा, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इन दोनों का जो मिक्सर होगा वो मिक्स करेगा तो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा एफएल प्लस एफसी। ये दोनों सिग्नल को, दोनों फ्रीक्वेंसी को कंबाइन करेगा और एफएल प्लस एफसी जनरेट करेगा। पावर एम्पलीफायर उसी हिसाब से पल्स मॉड्यूलेटर काम करेगा और वो उसी को बूस्ट करेगा, और यहाँ पे एफएल प्लस एफसी सिग्नल ही जाएगा, और यहाँ से जब वो ट्रांसमिट होने जाएगा तब भी आपका एफएल प्लस एफसी ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करवाते थे वो ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी एफटी होता था, वो एक ऑसिलेटर जनरेट करके दे देता था, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ जाना था, इसलिए हम लोग कोहेरेंट ऑसिलेटर की तरफ, स्टेलो की तरफ गए। उसका मैं कारण आपको आगे पूरा समझाऊंगा, जब डीले लाइन कैंसलर वगैरह सब कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से कि ये हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं।
अब हम लोग आगे आते हैं और आगे मैं आपको इसका ब्लॉक डायग्राम बताता हूँ। कोहेरेंट ऑसिलेटर दोनों तरफ से सिग्नल भेजता है, एक इधर भी भेजता है और एक इधर भी भेजता है, ठीक है, इधर भेजेगा उसका, चलो अपन बाद में देखते हैं। पहले डुप्लेक्सर, अब ये देखते हैं कि अगर रिसीव हुआ है सिग्नल तो रिसीव होने के बाद डुप्लेक्सर के पास जाता है, डुप्लेक्सर सबसे पहले उसको भेजता है मिक्सर के पास, ये भी यहाँ पे मिक्सर के पास जाता है मिक्स करने के लिए। मिक्सर को डेटा कहाँ से मिलता है, एक डेटा डुप्लेक्सर से आ गया, एक डेटा उसको स्टेलो से भी मिलता है। तो स्टेलो तो क्या करता है, सिर्फ एफएल सिग्नल जनरेट करना जानता है। आपको ये पता है कि ऊपर से सिग्नल क्या आया होगा, आपको ये पता है देखो कि जब एफएल प्लस एफसी गया था आपका ट्रांसमिट हुआ था, तो जब ये वापस आएगा तो इसमें प्लस माइनस एफडी का चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे भी अगर डुप्लेक्सर इसको भेजा तो वो क्या भेजा, एफएल प्लस एफसी प्लस माइनस एफडी, और यहां से इसको सिग्नल मिल गया एफएल। अब आगे बढ़ते हैं और आगे मिक्सर से अपन बढ़ते हैं। मिक्सर क्या करेगा, दोनों को मिक्स करके काटने की कोशिश करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप ये एडिशन का काम कर रहा था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का काम करेगा फ्रीक्वेंसी को। तो एफएल एफएल वाला सिग्नल है उसको हटा देगा, ठीक है। उसके बाद बचेगा क्या, बचेगा इसमें सिर्फ और सिर्फ एफसी प्लस माइनस एफडी, ठीक है। अब इसमें अब क्या होगा, यहां से हम लोग पास कराएंगे इसको अपने आईएफ एम्पलीफायर की तरफ, ठीक है। आईएफ एम्पलीफायर क्या करेगा, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, सिर्फ इंडिया इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को पास करने की कोशिश करेगा, उसके अलावा कोई फ्रीक्वेंसी को पास, मतलब जैसे ये सिग्नल आ रहे होंगे तो ये प्लस में भी है माइनस में भी है, उसको जो वाला सिग्नल चाहिए उसी सिग्नल को वो पास करेगा, उसके अलावा किसी को पास नहीं करेगा। उसके बाद ये आईएफ एम्पलीफायर कहाँ जाता है, आईएफ एम्पलीफायर से हम लोग भेजते हैं हमारे फेस डिटेक्टर के पास। अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले डॉपलर रडार और जितने रडार पड़ रहे थे उसमें हम लोग एनवलप डिटेक्टर के पास भेजते थे, सिर्फ हमको एनवलप का काम होता था, एम्पलीट्यूड का काम होता था, बट अब हम लोगों को फेस का भी यहाँ पे बहुत ज्यादा काम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे फेस डिटेक्टर के पास भेजते हैं। और यहाँ से जब सिग्नल जाता है तो ये जाता है डिले लाइन कैंसलर के पास, डिले लाइन कैंसलर, और फिर डिले लाइन कैंसलर का काम शुरू होता है। तो ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, आप कोशिश करें जब भी आएगा तो आपको पूरे डिले लाइन कैंसलर तक आपको समझाना है जितना हो सके। तो आई होप अभी मैं कहाँ कहाँ तक ठीक है। तो देखो यहाँ से एक सिग्नल एफ सी आया, यहाँ से आपका सिग्नल होगा एफ सी प्लस एफ डी मान लो होगा, ठीक है। एफ सी आपस में कैंसल आउट हो जाएगा और हम लोग भेजेंगे कहाँ, यहाँ जब फेज डिटेक्टर डिले लाइन कैंसलर के पास जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका एफडी को ही पास करने की कोशिश करेगा और डॉपलर फ्रीक्वेंसी ही सिर्फ डिले लाइन कैंसलर के पास जाएगा। तो अभी ये बताओ मेरे को कि अभी इसमें कोई अभी तक, अब देखो यहाँ पे हम लोग ने ब्लॉक डायग्राम को ऑलमोस्ट चीजों को देखा कि कैसे नॉर्मली ये वर्क करता है। आपको एक चीज दिमाग में आ रहा होगा ये कि ये यहाँ पे हम लोग एक नए शब्द का इस्तेमाल किए, स्टेलो, ये इसको बोलते हैं स्टेलो, जो है आपका स्टेलो वो आपका है स्टेबल लोकल ऑसिलेटर। यहाँ पे हमको स्टेबल लोकल, अभी तक हम लोग जो डॉपलर रडार वगैरह में यूज कर रहे थे वो नॉर्मल कंटिन्यूस वेव ऑसिलेटर या लोकल ऑसिलेटर यूज होता था, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को स्टेबल जोड़ना पड़ा। वो स्टेबल इसलिए भी जोड़ना पड़ा क्योंकि क्या होता है, यहाँ पे हम लोग आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे हम लोगों को फेस डिटेक्टर की जरूरत पड़ रही है। फेस डिटेक्टर क्या करता है, फेस को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है कि फेस में कोई चेंज आ रहा है क्या। तो देखो अगर हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग को करना क्या है एमटीआई रडार में, कि जो टारगेट है आपका, टारगेट मूव कर रहा है, वो टारगेट इधर भी हो सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कहीं पे भी टारगेट मूव करते जा रहा है। तो आपका सिग्नल जब टकरा के वापस आएगा तो उसमें कुछ फेस चेंज होगा, उस फेस को हम लोग डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि देखो यहाँ पे पेड़ भी हो सकते हैं, पहाड़ भी हो सकते हैं और अलग-अलग खंबे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, सिग्नल टकरा के वापस इससे भी वापस आएगा, लेकिन इन लोग मूव तो नहीं कर रहे ना, मूव तो सिर्फ इन्हीं लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों को जो फेस चेंज देखना है, जो वो इन्हीं का देखना है, इन लोगों का फेस चेंज नहीं देखना है क्योंकि इन लोगों में ज्यादा होगा भी नहीं, बार बार फेस चेंज किसमें होगा, इसमें होगा। लेकिन देखो अगर हमारा ऑसिलेटर जब फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है,
अगर वो स्टेबल नहीं रहेगा तो हो सकता है कि वो, लेट सपोज अभी एक फ्रीक्वेंसी जनरेट किया, एक सिग्नल जनरेट किया जो ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, हो सकता है कि अगले सेकंड में जब वो अगला पल्स भेजना हो तो उसमें कुछ फेज चेंज हो जाए, मतलब ऑसिलेटर में ही डिफेक्ट आ जाए और वो कुछ फेज चेंज करे, वो भी जनरेट ऐसा ही करे लेकिन उसमें कुछ फेज का चेंज हो जाए, हो सकता है कि उसमें डिले हो जाए और जनरेट करे। तो देखो अगर अगर हम लोग अपने ही एंड से जब हम लोग ट्रांसमिट करते हैं तभी अगर हमारा ऑसिलेटर ही अगर में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गया या उसमें अगर फेस का प्रॉब्लम आ गया तो हमारा, तो हम एक्सपेक्ट भी कैसे कर रहे हैं कि जब ये मूविंग टारगेट को हम लोग सही तरीके से फेस को डिटेक्ट कर पाएंगे, जब हमारा खुद का हम समझ नहीं पाएंगे कि हमारे एरिया से प्रॉब्लम फेस चेंज हो रहा है या फिर सामने वाले से फेस चेंज हो रहा है। इस वजह से आपको जो ऑसिलेटर है उसको भारी स्टेबल ऑसिलेटर की जरूरत पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग स्टेबल लोकल ऑसिलेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या सबको, क्यों हम लोग यहाँ पे लोकल ऑसिलेटर के बजाय स्टेबल लोकल ऑसिलेटर यूज कर रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ूं? ठीक है, तो आप लोगों को फर्स्ट टॉप इसका मैं बताया स्टेबल लोकल ऑसिलेटर की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बाद आपको मैं आईएफ स्टेज की मैं आपको बताता हूँ। जो हम लोग आईएफ एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, आपको ये पता है कि आईएफ का जो एम्पलीफायर है ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को ही सिर्फ पास करने का मौका देता है, बाकी को नहीं देता, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जो आप चाहते हो। इसी को आईएफ स्टेज में ही मैच फिल्टर भी लगा होता है, और मैच फिल्टर आपको ये पता है कि वो क्यों यूज होता है, ताकि हमारा जो एसएनआर है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोगों को रिसीव हो पाए, मतलब अगर सिग्नल नॉइस के साथ भी बहुत सारे आ रहे हैं फिर भी हम लोगों को एसएनआर अच्छा मिल पाए। ओके, अब तीसरा इसमें सवाल ये है कि हम लोग अभी तक एम्पलीट्यूड डिटेक्टर का इस्तेमाल किए थे, एनवलप डिटेक्टर, पिछले के कुछ लेक्चर में अगर आप ध्यान देंगे तो हम लोग एनवलप डिटेक्टर या एम्पलीट्यूड डिटेक्टर की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, बट यहाँ पे हम लोग चेंज करके फेस डिटेक्शन में चले गए। ठीक है, तो फेस डिटेक्टर भी आपको अगर ध्यान होगा, देखो यहाँ पे लास्ट में जुड़ा हुआ है, ये फेस डिटेक्टर भी क्या किया, एफ सी और एफ सी को कैंसिल आउट कर दिया और सिर्फ एफ डी को पास करने का मौका दिया। तो फेस डिटेक्टर भी आपका इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि वो भी एक मिक्सर की तरह काम करता है, मिक्सर डिवाइस की तरह ये काम करता है, जो आपका रिसीव्ड सिग्नल, जो आपका रिसीव्ड सिग्नल आया और आपका रिफरेंस सिग्नल जो वहां से अपन कोहेरेंट ऑसिलेटर से हम लोग लिए हैं रिफरेंस सिग्नल, उनको वो आपस में कैंसल आउट करने की कोशिश करता है, और जो भी उन लोगों के बीच में डिफरेंस आता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है उसको वो पास करने की कोशिश करता है, और वो जो डिफरेंस है वो कौन उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को डॉपलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जो एफ डी हमारा पास हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल एम्पलीट्यूड डिटेक्टर में क्या होता है, हम लोग सिर्फ एम्पलीट्यूड डिटेक्ट करते हैं बट हम लोग को यहाँ पे कैंसल आउट करने की कोशिश करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे फेज डिटेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फेज चेंज तो हमको देखना ही है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब सिग्नल टकरा, जब सिग्नल जाता है टकरा के वापस आता है तो उसमें कुछ फेज का चेंज होता है, वो फेज का चेंज को भी तो हम लोगों को पकड़ना है ना, तो फेज डिटेक्टर का इस्तेमाल हो रहा है। तीसरी बात आपको मेरे को ये बताना है कि जो ट्रांसमिटर फ्रीक्वेंसी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी तक हम लोग एफ टी का इस्तेमाल करते थे, अभी हम लोग एफ एल प्लस एफ सी यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको लिख लेता हूं कि जो ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी होता है, ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी ये एम टी आई रडार के केस में दो फ्रीक्वेंसी का सम होता है, लोकल जो स्टेबल लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है और कोहेरेंट ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है। इसी को शब्दों में रिसीवर एक्साइटर पोर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर बाय चांस आ जाता है ऑब्जेक्टिव में तो ये ध्यान रखना, और ये जो सिग्नल का कॉम्बिनेशन है ये पहले की अपेक्षा में काफी स्टेबल फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है जो कि हम लोगों को अच्छे तरीके से चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको चौथा पॉइंट इसमें ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो फेस डिटेक्टर का आउटपुट है, आपका फेज डिटेक्टर का आउटपुट को अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने बोला कि उसको डिले
लाइन कैंसलर से पास कराया जाता है, डिले लाइन कैंसलर। ठीक है, ये डिले लाइन कैंसलर क्या होता है इसको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि वो अगला टॉपिक ही है हमारा। अभी मैं सिर्फ आपको ऐसे बता देता हूँ कि ये एक हाई पास फिल्टर की तरह काम करता है। हाई पास फिल्टर क्या होता है आपको पता होगा कि सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, लो फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करेगा। तो आपका जो भी सिग्नल वहां से सेपरेट आउट होता है जब आप FC प्लस FD से फेज डिटेक्टर से आप इसको यहां से सेपरेट आउट करते हैं, उसके बाद डिले लाइन कैंसलर से पास करा देते हैं। डिले लाइन कैंसलर क्या करता है, सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है, लो फ्रीक्वेंसी को रोक देता है। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि अगर आप अनवांटेड या स्टेशनरी जो टारगेट आपके यहाँ मौजूद है जो मूव कर रहा है उसके अलावा पेड़ खंबे ये सब जो स्टेशनरी जगह पे हैं उनसे जब सिग्नल टकरा के आता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी मानी जाती है। जब आप दो सिग्नल को कैंसिल आउट करते हो और सिर्फ कुछ फ्रीक्वेंसी बच जाती है उसको, मैं 2 मिनट बस रुकना, डिले लाइन कैंसलर समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी बस इतना आप ये समझो कि ये हाई पास फिल्टर है, सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, लो को नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा वो मैं आपको 2 मिनट में समझा रहा हूं। ठीक है, पांचवा पॉइंट इसमें इस ब्लॉक डायग्राम में मेरे को बस ये बताना था कि जो पावर एम्पलीफायर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग वैसे माइक्रोवेव सब्जेक्ट में भी पावर एम्पलीफायर काफी कुछ पढ़े हो गए। ठीक है, आपका ट्रेवलिंग वेव ट्यूब हो गया और क्लिस्ट्रॉन हो गया, ये सब आप यूज करते हो गए, अभी पढ़ लिए हो क्या ये सब चीज, TWT वगैरह। ठीक है, अब तो पावर एम्पलीफायर हम लोग कौन से यूज करते हैं, ये सब यूज करते हैं। और ध्यान बस ये है कि एम्पलीफायर भी जो हो वो स्टेबल हो, क्योंकि हम लोग इतने हाई फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हैं और रडार के, जिसमें हम लोग अगर स्टेबिलिटी नहीं होगा तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, और जो स्टेबल फ्रीक्वेंसी हो और केपेबल हो कि वो हाई पावर को हैंडल कर सके, ये पावर एम्पलीफायर की कुछ खास बात है। और आपको पल्स मॉड्यूलेटर भी आपको मैं वैसे बता दिया हूँ पल्स मॉड्यूलेटर का क्या काम है, ये एम्पलीफायर का जो भी सिग्नल आएगा एम्पलीफायर का उसको ऑन ऑफ करने में मदद करेगा। ठीक है, ऑन ऑफ करने में पल्स स्विचिंग का काम करता है ये बेसिकली। हाँ, तो इसी में नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया हुआ है, लेकिन इसको आप साथ में लेके चलना जब भी आपको MTI रडार समझाना होगा, क्योंकि वो उसके ब्लॉक डायग्राम में ही आता है। अपन देखते हैं डिले लाइन कैंसलर। डिले लाइन कैंसलर नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि कुछ कैंसल करने की कोशिश कर रहा होगा, क्या कैंसल करने की, डिले से रिलेटेड कुछ होगा। तो मैं आपको एक नॉर्मल तरीका बताता हूं। देखो, एक मैं ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, ग्राफ ये है कि वेव का है जो या बोल सकते हो आप इको का है, जो इको मतलब सिग्नल टकरा के जब वापस आता है तो उसको इको बोलते हैं। तो लेट सपोज कि उसका एम्पलीट्यूड है, लेट सपोज ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर हो सकता है ऐसा, ऐसा किसी से टकरा के ऐसा, ऐसा। ठीक है, ये समझ में आया, ये क्या है, ये है जो हमको पल्स हम लोग भेजे थे उससे टकरा के जो इको आया है और नॉइस के साथ आया है, तो वो हो सकता है। अब ये कई लोगों से टकरा टकरा क्या है ना, मतलब हो सकता है कि ये पेड़ का होगा, ये खंबे का होगा, ये कुछ का होगा, कुछ का होगा। इसमें से मैं आपको बता देता हूँ कि जो टारगेट है वो मूव कर रहा है वो ये है और ये है, ये मूविंग टारगेट से जो टकरा क्या है वो ये दोनों इको है, बाकी सब मेरे काम के नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, एक काम करता हूं, ये मेरे को मिल गया ए, मतलब एक सिग्नल मिला। अब मैं ना फिर से पल्स भेजता हूं विथ सम गैप, थोड़ा सा ड्यूरेशन कम, मतलब थोड़ा देर रुकने के बाद मैं फिर से सेम पल्स भेजता हूं सेम फ्रीक्वेंसी का, तो वो क्या हुआ, फिर वापस टकरा के आया। ठीक है, फिर आया। ठीक है, यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा कम हो। ठीक है, फिर ये हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा हो, लेट सपोज। ठीक है, और ये फिर आया। दोनों
सिग्नल को अगर आप देखोगे तो दो बार मैंने पल्स भेजा, एक बार मैंने भेजा एक समय में, फिर थोड़ा टीपी टाइम तक, पल्स रिपीटेशन टाइम तक मैंने वेट किया और फिर मैंने दोबारा पल्स भेजा। लेकिन जो खंबे हैं, जो स्टेशनरी सामान जो चीज है, उससे मेरा पल्स चाहे मैं अभी भेजूं, चाहे टीपी टाइम के बाद भेजूं, चाहे मैं 2 TP 3 TP कभी भी भेजूं, उससे जो मेरा अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो जो टकरा के आएगा वो सेम आएगा कि नहीं। और फिर आया, लेकिन ये जो मूविंग टारगेट है ये तो मूव कर रहा है, तो आप थोड़े टाइम के बाद भेजोगे तो हो सकता है वो मेरे पास आ गया होगा, हो सकता है वो मेरे दूर चला गया होगा। तो यहाँ पे जो चेंज है वो चेंज आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, तीसरा स्टेप में ये करता हूं कि क्यों ना मैं बी माइनस ए कर दूं। मतलब मैंने एक बार पल्स भेजा था और दोबारा मैंने एक बार पल्स भेजा था, फिर दोबारा टीपी टाइम के बाद मैंने दोबारा पल्स भेजा। अब मैं कोई ऐसा डिवाइस बना लूं, मतलब ऐसा ब्लॉक डायग्राम बना लूं कि ये दोनों पल्स का जो आउटपुट आ रहा है उसको माइनस कर लो। तो एक बार माइनस करने की कोशिश करते हैं। चलो लेट सपोज इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो दोनों सेम एम्पलीट्यूड के हैं, तो वो जीरो हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, फिर जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ रहा है, हो सकता है नेगेटिव में आया, पॉजिटिव आया, कुछ भी यहाँ कर देता हूँ, फिर ये जीरो हो गया। ये मेरा आउटपुट आया, जो मेरे को ये समझ में आ गया कि सिर्फ यहाँ पे टारगेट था और ये टारगेट था, बाकी सब स्टेशनरी सामान थे वहां पे। इसी को डिले लाइन कैंसलर कहते हैं, जब दोनों एक डिले किए अपन सिग्नल को और आपस में कैंसल आउट कर दिए। अब देखो मैं आपको डिले लाइन कैंसलर के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं। डिले लाइन कैंसलर ये एक टाइम डोमेन फिल्टर है, बेसिकली अपन टाइम में ही अपन कैंसल कर रहे हैं चीजों को। ये टाइम के रिस्पेक्ट में आउटपुट आया था, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम था, और टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो एक टाइम डोमेन फिल्टर है जो जिसका काम क्या होता है, दैट रिजेक्ट्स क्लटर। क्लटर किसको बोलते हैं, क्लटर उसको बोलते हैं जो स्टेशनरी सामान होते हैं, उसको क्लटर शब्द से इस्तेमाल करते हैं। तो दैट रिजेक्ट्स क्लटर एट जीरो फ्रीक्वेंसी। अब आपको समझ में आया क्या कि जीरो फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं। देखो ये एक जीरो फ्रीक्वेंसी का लाइन है, ये दिख रहा है आपको, ये इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। चेंज होता तो कुछ फ्रीक्वेंसी होती, यहाँ तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो ये जीरो फ्रीक्वेंसी वाला लाइन है। तो जीरो फ्रीक्वेंसी में क्लटर को कैंसल आउट करने की जो, या रिजेक्ट करने की जिसमें क्षमता होती है, उस डिवाइस को बोलते हैं डिले लाइन कैंसलर। इसीलिए मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि जो ये डिले लाइन कैंसलर होता है ये हाई पास फिल्टर होता है, सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है, ये लो फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करता है। देखो अगर एग्जैक्ट आइडल आपने डिले लाइन कैंसलर लिया तब तो वो पूरा का पूरा जीरो कर देता है, लेकिन आइडल तो होता नहीं है प्रैक्टिकल, तो थोड़ा मोड़ा कुछ कुछ यहाँ पे हो सकता है। तो इसीलिए पूरा लो फ्रीक्वेंसी को हटा देना और सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी को पास करने का जो क्षमता है वो डिले लाइन कैंसलर कहलाता है। यहां तक समझ में आया सबको? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे नहीं मतलब अब तो खत्म ही हो गया टॉपिक। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये तो मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दिया, प्रिंसिपल समझा दिया कि ये माइनस हो रहा है, लेकिन इसके लिए तो मेरे को ब्लॉक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी ना, डिले लाइन कैंसलर कैसे काम करेगा। तो उसके लिए मैं आपको ब्लॉक डायग्राम बताता हूँ कि देखो यहां से एक सिग्नल आया था जो बाइपोलर वीडियो था। आपको ध्यान अगर होगा, बाइपोलर का मतलब क्या है, ऊपर भी जाना नीचे भी जाना, दैट इज बाइपोलर। यूनिपोलर का मतलब सिर्फ एक ही साइड में रहना। तो बाई, आपको अगर ध्यान होगा कि ऊपर से अगर मैं देखो यहां से आया, तो यहां से ये जो सिग्नल आ रहा था डॉपलर फ्रीक्वेंसी, ये ऊपर नीचे दोनों साइड था, बाइपोलर था। तो यहाँ पे बाइपोलर वीडियो इनपुट आया था अपने पास, ठीक है। ये इसको अपन पास करा देते हैं A to D कन्वर्टर के साथ, A to D कन्वर्टर, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को इसको कंप्यूटर में करना है तो हम लोगों को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। A to D कन्वर्टर से पास करा दिए। इसको पास कराने के बाद क्या किए हम लोग, एक चीज से पास कराएंगे, और उसके बाद यहां से जो भी सिग्नल आएगा ना उसको हम लोग एक तो पहले ले लेंगे ऐसा, और दूसरा हम लोग एक बार डिले करा देते हैं, डिले।
डिले कितने टाइम के लिए कराना है आपको ये पता है, टीपी टाइम के लिए कराना था, तो टीपी को 1/SP भी लिख सकता हूँ, पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी। तो आपको इन दोनों को डिले कराने के बाद, मतलब एक सिग्नल डायरेक्ट आएगा और एक सिग्नल डिले होने के बाद आएगा, इसको आप क्या करोगे, सब्सट्रैक्टर के साथ पास करा दोगे। सब्सट्रैक्टर क्या करेगा, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी भी ये बाइपोलर वीडियो ही है, बाइपोलर वीडियो, ठीक है। इसको आपको यूनिपोलर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, आप क्योंकि आपको मैग्नीट्यूड देखना होगा कि कितना मैग्नीट्यूड का है, वो सिग्नल है, तो उसमें आप एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ इसको भेजोगे, ठीक है। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कराने की कोशिश करोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू अगर जैसे ही होगा तो बाइपोलर से वो यूनिपोलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और यूनिपोलर में कन्वर्ट हुआ तो आप सिंपल डिजिटल से फिर एनालॉग में कन्वर्ट कर सकते हो और आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट में आप इसको करके आप इसको एनालॉग डिस्प्ले से में डाल सकते हो, जो अगर आपके पास जो डिस्प्ले है जिसमें आपको देखना है वो एनालॉग फॉर्म में, तो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करा दो, और अगर आपके पास डिजिटल आउटपुट ही आपके पास है तो आप तो चुपचाप यहां से आप सिंपल यहीं से आप डिजिटल डिस्प्ले में दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये डिले लाइन कैंसलर ऐसा काम करता है, ये समझ में आया क्या आप लोगों को? ठीक है, अब इसका ना बस 5 मिनट का वो है, डेरिवेशन है छोटा सा, मैं करा दूं उसको अभी, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, ज्यादा ज्यादा 10 मिनट भी हो सकता है, कराऊं? ठीक है। देखो अब मैं सिंपल से आपको मैथमेटिकल चीजें बस बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखना है कि दो सिग्नल आ रहे थे उसको डिले लाइन कैंसलर में माइनस करने की कोशिश की है। लेट सपोज कि एक सिग्नल जो आया आपके पास वो था, अब देखो कोई सिग्नल है जैसे आप ऐसा ऐसा करके जो बोल रहे हो, इसको अब वो कुछ भी हो, वो कैसा भी दिखता हो, उसको मैथमेटिकली अगर आपको लिखना है तो कोई भी चीज वेव फॉर्म को मैथमेटिकल अगर आपको लिखना है तो आप क्या करोगे, एक साइन या कॉस का सिग्नल लोगे, उसमें एक एम्पलीट्यूड होगा उस सिग्नल का, उसमें एक फ्रीक्वेंसी होगी जिस सिग्नल से वो फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा होगा, और उसमें कोई एक फेस होगा। तो आपको एक भी कोई भी साइन वेव या कोसाइन, सिनोसाइडल वेव फॉर्म में आपको तीन ही चीज होती है, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेस। तो मैं ये बोलता हूं कि लेट सपोज कि मेरा जो पहला सिग्नल आया उसका एम्पलीट्यूड के था, लेट सपोज के था, उसका सिनोसाइडल साइन था, उसकी फ्रीक्वेंसी थी डॉपलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि डॉपलर फ्रीक्वेंसी ही आ रही है हमारे पास टी, और कुछ फेस था, तो लेट सपोज ये फेस था, ये एक सिग्नल था जो हमको रिसीव हुआ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी सिग्नल को हम लोग डिले करके दोबारा हम लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो एम्पलीट्यूड सेम हो सकता है, साइन होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकता है क्या? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, सेम ही है, लेकिन टाइम हम लोग सिर्फ टीपी टाइम तक हम लोग चेंज किए हैं, लेट सपोज उसको टीपी लिख देता हूं, ठीक है। और फेस भी जो भी होगा, तो फेस भी आपका लेट सपोज सेम, दोनों का फेस फेस नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना चेंज हो रहा है, ठीक है, दोनों के बीच में। अब अगर मैं टोटल डिले लाइन कैंसलर में करता क्या हूं, मैं सिर्फ V1-V2 कर देता हूं, दोनों सिग्नल को V1-V2। अब आपको ये पता होगा कि साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी क्लास होता तो मैं आप ही लोगों से पूछता, लेकिन अभी टाइम नहीं है इतना, तो मैं अभी इसको ऐसा लिख देता हूं, साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी बाय टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाय टू इंटू टू सामने रहता है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, टू के साइन, अगर आप ए माइनस बी बाय टू करोगे तो आपको दोनों में क्या करने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना होगा एफ डी टी पी, और इंटू कॉस अगर करोगे ए प्लस बी बाय टू भी अगर आप करते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2 पाई एफ डी टी माइनस टी पी बाय टू माइनस फाइव नॉट। यहां तक सबको क्लियर है क्या, इस स्टेप में कोई दिक्कत किसी को?
ठीक है, अब मैं आपको ये बोलता हूं कि देखो ये सिग्नल आपको मिला है, ये सिग्नल माइनस करने के बाद मतलब डिले लाइन कैंसलर में ये सिग्नल आपको मिल गया, अच्छी बात है मिला। ये बेसिक सिग्नल है आपका, और ये इस बेसिक सिग्नल का जो आपका ये है, ये आपका बेसिकली पूरा एम्पलीट्यूड है, ये इसका फेस है और ये उसका टाइम शिफ्ट है। ठीक है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, ये टाइम में डिले हुआ है और ये फेस है। अब आपको मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि देखो अगर मैं इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बनाऊं, मतलब इसका अगर मैं रिस्पांस बनाता हूं कि आप मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड और आप ले लो आपका फ्रीक्वेंसी पे आप ले लो, तो इसका मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड पे मैग्नीट्यूड को प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, वो भी अगर आप मैं बोलूं सिर्फ HF मॉड इसका, ठीक है। तो आपको ये पता है कि साइन वेव ऐसा ऐसा होता है, लेकिन अगर मॉड ले तो सिर्फ ऐसा ऐसा होता है, तो इसको मैं ले सकता हूँ, ये ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, ये इस सिग्नल का ना, इस सिग्नल का मैं मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व प्लॉट कर रहा हूँ। ये बार बार कितने फ्रीक्वेंसी के साथ अपने आप को रिपीट करेंगे, तो ये है TP1, TP टाइम इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी आप ले सकते हो 1/FP, सॉरी 1 फ्रीक्वेंसी है ना, तो फ्रीक्वेंसी में FP होगा, नहीं तो 1/TP ले सकते हो, ये 2 FP होगा, ये 3 FP होगा, ऐसे बार बार हर पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी पे ये अपने आप को रिपीट करने की कोशिश करेंगे। मैं सिर्फ आपको इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब डिले लाइन कैंसलर हम लोग लेते हैं और डिले लाइन कैंसलर का ये मैग्नीट्यूड जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, मैथमेटिकल को हम लोग प्लॉट कर दिए हैं, तो मेरे को एक चीज ध्यान में आ रही है कि किसी ना किसी पॉइंट पे इसका मैग्नीट्यूड किसी फ्रीक्वेंसी पे जीरो हो जा रहा है। ये फ्रीक्वेंसी किस फ्रीक्वेंसी पे जीरो हो रहा है, इसका मतलब आप समझो कि पर्टिकुलर किसी फ्रीक्वेंसी से अगर आप सिग्नल को भेजते हो तो आपका जो डिले लाइन कैंसलर है जो वो आपस में इन दोनों को कैंसल आउट कर दे रहा है और मैग्नीट्यूड जीरो दिखा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो आप कर्व बनाए थे ना, ये जो कर्व, ये आपको दिखेगा ही नहीं मैग्नीट्यूड, आपको तो जीरो दिखेगा। इसका मतलब है आपको टारगेट भी नहीं दिखेगा, और टारगेट नहीं दिखना का मतलब है आप समझ जाओ कि टारगेट मौजूद है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। और जिस तो ये पर्टिकुलर मैं आपको ये बस बताना चाह रहा था ये कब होगा, तो अपन देखते हैं कि ये जो डिले लाइन का कैंसलर है इसका मैग्नीट्यूड कब जीरो हो जाता है, किस पॉइंट पे। तो आप ये बोल सकते हो कि जब 2K sin π FDTP कब जीरो होता है ये, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो मैं आपको बताता हूँ, 2K sin FD। अब देखो ये कब जीरो होगा, आपको ये पता है कि साइन जो सिग्नल है ये जीरो कब कब होता है, ये होता है कब कब होता है बताओ, ये होता है पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, मतलब आपका जो सिग्नल है ये π FDTP, ये जो पूरा है ये अगर आपका जीरो हो या प्लस माइनस पाई हो या प्लस माइनस 2 पाई हो या प्लस माइनस n पाई हो, तब तब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी और ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। अब आप इसको क्या कर सकते हो, π FDTP को आप इक्वेट कर सकते हो n पाई के साथ, प्लस माइनस n पाई के साथ, पाई पाई कैंसल आउट हो गया, आपका जो टीपी आया या FD आया, FD उसको आप लिख सकते हो n आपका TP, n/TP प्लस माइनस। बताओ ये वाला फॉर्मूला क्लियर है क्या सबको? अब मैं आपको सिर्फ एक बस लास्ट एक लाइन और बता देता हूँ कि देखो अगर आपको ध्यान होगा कि डॉपलर फ्रीक्वेंसी का आज ही मैं आपको रिवाइज भी करा रहा था, वो फॉर्मूला होता है 2VR/N। अगर आपको ध्यान होगा डॉपलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, डॉपलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एक और आ गया, क्या हम इसको इक्वेट कर सकते हैं? तो इसको आप बिल्कुल इक्वेट कर सकते हो कि आप इसको NTP है या N×FP है, तो आप 2VR/N कर लो, इसको आप क्या कर सकते हो, 2VR/λ होता है ना, 2VR/λ, 2VR/λ इज इक्वल टू N×FP, ठीक है। तो आप यहाँ पे वी आर निकाल सकते हो, वो हो गया N×FP×λ/2। ये जो रेडियल वेलोसिटी है ये n को कंसीडर कर रहा है, तो इसको हम लोग n लिख सकते हैं, ये वेलोसिटी है या स्पीड आप बोलो,
इसको आप, इसको अगर टर्म में आपको बोलना है तो इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पीड, मतलब कि अगर आपका जो टारगेट है वो इस स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो आपका जो रडार है वो उसको डिटेक्ट कर पाने में असमर्थ रहेगा, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पीड कहा जाता है। जब वो अंधा हो जाता है आपका रडार, वो क्यों अंधा हो रहा है, क्योंकि उसका जो डिले लाइन कैंसलर है वो आपस में दोनों को माइनस करके इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जा रहा है, इस वजह से वो उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि वहां पे कोई चेंजेस आए हैं और वो उसको जीरो के केस में लेके चल रहा है। तो ये ब्लाइंड स्पीड इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है रडार में कि ये ब्लाइंड स्पीड से मूव नहीं होना चाहिए, और आपको पहले से कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि ब्लाइंड स्पीड कितनी स्पीड में होता है, क्योंकि आपको ब्लाइंड स्पीड अलग अलग होता है, एन की वैल्यू आप अलग अलग चेंज करते जाओ तो अलग अलग वो होता है। आपको पल्स रिपीटेशन फ्रिक्वेंसी मालूम है, लैम्डा मालूम है, टू मालूम है, तो आपको ब्लाइंड स्पीड निकालना आ जाएगा। इसको मैं आगे बताऊंगा और इसका मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल अगले क्लास में सॉल्व कराऊंगा ये। इससे न्यूमेरिकल कम से कम 4 बार ब्लाइंड स्पीड से आपके एग्जाम में पूछ चुका है, यही फॉर्मूला के बेसिस पे 4 बार आपको न्यूमेरिकल पूछ चुका है, इसका डेरिवेशन आ चुका है आपके एग्जाम में। और क्या बोलते हैं, अगले ब्लाइंड स्पीड से निपटने के लिए हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक में देखना पड़ेगा कि स्टैगर्ड पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तो इस लेक्चर